नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी, आप देख रहे हैं मेरा प्रदेश लाइव। यूपी एमएलसी की 13 सीटों के नतीजे आने जारी हैं। अब तक एसपी के 5, बीएसपी के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। बीएसपी के 3 उम्मीदवार अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप ने चुनाव जीत लिया है। तो 13 सीटों के लिए 14 कैंडिडेट मैदान में और इसी के बाद इन मुकाबलों में दिलचस्पी, इसकी रोचकता बढ़ गई। फिलहाल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 5, बहुजन समाज पार्टी के 3 और बीजेपी के 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की। यूपी एमएलसी की 13 सीटों के लिए वोट डाले गए और उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। 13 में से 9 नतीजे सामने आ चुके हैं। 4 कैंडिडेट्स का भाग्य अभी सामने आना बाकी है कि उन्हें विधान परिषद पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीएसपी के लिए एक अच्छी चीज यह है कि उसके 3 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है, यानी जिस तरह के फ्रैक्शंस की पार्टी के लिए बात कही जा रही थी वो यहां से खारिज होती है। कोई टूटकर उनकी तरफ आए तो बात अलग, लेकिन उनकी अपनी मजबूती बनी हुई है। उधर समाजवादी पार्टी लगातार टकटकी लगाए इन नतीजों को देख रही है कि आखिर किस तरह से कौन पाला बदलता है, किस तरह से उसकी गणित बनती है या बिगड़ती है। और उन सबसे अलग बीजेपी का एक कैंडिडेट जीत गया है, बाकी के कैंडिडेट्स भी उम्मीद लगाए हुए होंगे कि आखिर जोड़ तोड़ की राजनीति में कितनी सफलता उसे मिल पाती। बीएसपी के जो 3 उम्मीदवार जीते हैं उसमें अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप, इन्होंने चुनाव जीत लिया है। इंतजार उन 4 नामों का है जो अब तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश बताइए, ताजा अपडेट क्या है? अवनीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल जी, ताजा अपडेट बताएं। अवनीश, ताजा अपडेट क्या है एमएलसी चुनाव की? कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से मुझे लगता है आवाज पहुंच नहीं रही है उन तक। अवनीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो अवनीश, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए शेखर, यहाँ परिणाम अब सामने आ गए हैं। बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार की यानी दयाशंकर सिंह की हार हुई है। भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी की ओर से पहले उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। इसके अलावा जो 8 कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के वो विजयी हुए हैं। बीएसपी के 3 उम्मीदवार विजयी हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार जो है वो इन चुनाव में विजयी हुआ है। क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन बावजूद उसके जो है बीजेपी को वो आंकड़ा नहीं मिल सका जिसके सहारे वो अपने दोनों ही उम्मीदवारों को का बेड़ा जो है वो पार लगा पाए। अंततः पहले राउंड में तो जरूर काफी कांटे की लड़ाई थी कांग्रेस और बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार के बीच, लेकिन फाइनली जो है सेकेंड राउंड जैसे ही शुरू हुआ शुरुआत में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो गई और उसके बाद फिर जो है परिणाम आपसे थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा, लेकिन ये बात तय हो गई है और बीजेपी के लोग भी अब वहां से बाहर आ गए। मतगणना स्थल से उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया है कि एक उम्मीदवार की जीत हुई और दूसरे की हार हो गई है। अवनीश, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पार्टी के लेवल पर अगर समझने की कोशिश करें, क्रॉस वोटिंग में किसने क्या खोया, क्या पाया, किसका स्वार्थ कहां सिद्ध होने वाला है? देखिए, चीजें तो धीरे धीरे और साफ होंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि 5 उम्मीदवार जो 5 विधायक जो थे वो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने दूसरी पोलिटिकल पार्टी को वोट किया, ज्यादातर ने बीजेपी को वोट किया है। ये भी लगभग क्लियर हुआ कि कौन से विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ ने खुल करके स्वीकार किया है, कुछ ने जो है ये बात मानी है कि उनके संपर्क दूसरी पोलिटिकल पार्टी से है। बीजेपी की ओर से भी 2 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीएसपी की ओर से करीब 3 से 4 सदस्य ऐसे रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी 2 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है और
पीस पार्टी की ओर से भी जो है जो सदस्य थे उन्होंने टेक्निकल वोटिंग की है, यानी इनको अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अलग अलग पोलिटिकल पार्टी को, आरएलडी की जो उनकी लाइन थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट करने की, उस लाइन पर वोट किया है। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए अवनीश।